और जैसे कि हमने प्रभु के दास से सीखा है कि पाप वो है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, जैसे आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो पाप में गिर गया। तो आज हम देखते हैं कि पाप पूरी दुनिया में, पूरे संसार में है। तो दूसरा क्वेश्चन पास्टर जी मेरा ये है कि हम इस पाप से निजात कैसे पा सकते हैं या फिर हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। देखिए, उद्धार के लिए जो बाइबल हमें मार्ग बताता है, पुराने समय में लोग बलिदानों के द्वारा, परमेश्वर ने जब मिस्र देश से इसराइलियों को छुड़ाया और एक मंदिर का डिमांड किया, उस मंदिर को निवास स्थान भी कहा जाता है, मिलाप का तंबू भी कहा जाता है। और मिलाप के तंबू का अर्थ क्या है कि वहाँ पर पवित्र परमेश्वर के साथ एक पापी व्यक्ति का मेल होता है, इसलिए उसे मिलाप का तंबू कहा गया है। और वो मेल कैसे होता है? वो बलिदानों के द्वारा होता है। और बलिदान क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि मनुष्य के प्राण के द्वारा पाप किया, उसके प्राण ने पाप किया, तो लहू में पाप है। हम स्वभाव ही से सारी आज्ञाओं को तोड़ने वाले हैं। हमने कभी भी माँ बाप का आदर नहीं किया, हमने व्यभिचार किए, हमने चोरी की, हत्या की, कितनी बुराइयाँ हम करते हैं, डाह हमारे अंदर था, है ना। वो सब कैसे आया? क्योंकि खून से वो पाप अंदर आता गया। और बाइबल बताती कि बिना लहू बहाए मुआफ़ी नहीं है, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट से परमेश्वर ने अदन बाग में एक मेमने को, एक बछड़े को वध किया और उसकी खाल उतार कर आदम का नंगापन ढका है। और वही नए नियम में आकर मसीह के देह को रिजेंबल करता है। बाइबल बताती जितनों ने बपतिस्मा लिया उतनों ने मसीह को पहन लिया, है ना। तो हमारा पाप तब तक क्षमा नहीं हो सकता जब तक हमारे लिए किसी पवित्र ने अपना खून ना बहाया हो। और बाइबल बताती है कि जब बलियाँ उधर मिलाप वाले तंबू में लाई जाती थी, उनको एग्जामिन किया जाता था कि उनमें कोई खराबी तो नहीं, उनके सींग तो नहीं टूटे हैं, कोई मुड़े तो नहीं हैं, उनके शरीर पर कोई कट तो नहीं है, ये सारी चीज़ों का याजक जो है वो परख करता था और तब जाकर उस बलिदान को एक्सेप्ट किया जाता था। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने जो हमारी खातिर सलीब पर बलिदान दिया, और बाइबल में लिखा है कि कई लोगों ने यीशु मसीह के विषय में गवाही दिया कि वो निर्दोष था, है ना। पिलातूस ने कहा मैं अपने हाथ धो लेता हूँ, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता हूँ। उसके साथ जो डाकू था उसने कहा कि हम तो अपने पाप का सज़ा पाते हैं परंतु इसमें कोई दोष नहीं है। यहूदा इस्करियोती वो सिक्कों को फेंक कर जाता है और कहता है कि मैंने इनोसेंट ब्लड को जो है पकड़वाया है, मैंने निर्दोष को पकड़वाया है। और भी बहुत सारी गवाहियाँ, है ना। पत्रस अपनी पत्री में लिखता है वो गाली के बदले गाली ना देता था, उसने कभी पाप नहीं किया। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि उसने कभी पाप नहीं किया, है ना। तो कितनी गवाही है उसके अंदर। और वो कुवारी के द्वारा पैदा हुआ, और ये एक पॉइंट था कि वो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जैसा हमने कहा कि खून के द्वारा हमारे अंदर पाप आया, वो खून उसके अंदर आया ही नहीं है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा इस धरती पर आया, जो वचन मरियम के पास पहुंचा के परमेश्वर के ओर से तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, और उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा हो। तो वचन के द्वारा वो धरती पर पैदा हुआ है, वो स्वयं भी वचन ही है और देह धार कर मनुष्य के बीच में आया। तो ठीक उसी मेमने के जैसे जो एक याजक के द्वारा एग्जामिन किया जाता था कि इसमें कोई खराबी तो नहीं। बाइबल बताती है, उधर लिखा है मत्ती के सुसमाचार में कि वो जन्म से ही पवित्र था। तो बलिदान के द्वारा ही पाप क्षमा होता है, क्योंकि प्राण ने पाप किया है और किसी ना किसी का प्राण जो है उस पाप के लिए दिया जाना अवश्य था। इसीलिए बाइबल बताती है यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दिया, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यदि आप मार्ग की खोज में हैं तो वो यीशु मसीह है, यदि सत्य की खोज में है तो वो यीशु मसीह है, यदि जीवन की खोज में है तो वो यीशु मसीह है। और फिर बाइबल बताती है प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है धरती के ऊपर मनुष्यों के बीच में आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। क्योंकि इस जगत में भगत सिंह ने इंडिया के लिए जान दिया है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी कौम के लिए जान दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो शहीद हुए जिन्होंने अपनी जाति के लिए, अपने लोगों के लिए जान दिया, पर उनमें से किसी ने भी पाप के लिए आकर ऐसा जान दिया करके बोला नहीं। तो एक यीशु मसीह है जिसने कहा कि
मैं अपने प्राण को बहुतों के लिए दे देता हूँ। यहूना बपतिस्मा देने वाला उसके विषय में गवाही देता है, देखो वह परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर लेकर चलता है। तो हमारा पाप, हमारा उद्धार कब क्षमा हुआ? जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और अपने मन को फिराते हैं और पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के सामने हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो इस तरीके से हम उद्धार पाते। बाइबल यही मार्ग बताती है।